Salman is Sagar is very good friend of mine. And congratulations to the team. मैं चाहती हूँ कि वो भी अच्छा काम करे और आप लोग सब ऊंचाइयों को चुने. Thank you so much. थैंक यू प्रियंका दीदी जी. आप एक्चुअल में बोलते ज़्यादा हैं, लोगों को आपने हिला दिया था और इतनी सॉफ्ट हार्टेड, जो सामने हो सामने नहीं हो. अच्छा बताइए मेरे दोस्त. You.
गाने के बीच में आप लोगों ने सुना नहीं, मैंने कहा कि हमारे बीच महानायक पवन सिंह जी जोरदार तालियों से इनका स्वागत, और अक्षरा जी हैं हमारे लिए जोरदार तालियां अक्षरा जी के लिए भी जोरदार, टाइगर की आवाज भी हरे ताली की, उमेश जी की आवाज, वाह क्या बात है जी सर। पवन जी का स्वागत है, भूपेश भगत जी स्वागत कीजिए पवन जी का, जोरदार तालियां, और हमारे ग्रेट डायरेक्टर सुजीत जी साथ में अक्षरा जी के जोरदार तालियां, स्वागत है भैया भूपेंद्र जी सर जी स्वागत कीजिए मधुकर आनंद जी का, मधुकर आनंद जी का स्वागत, थोड़ा कहिए ना सर, अच्छा ना कर जाते हैं भारत भाग के रहते हैं, कौन सर कौन सर कौन सर, संजय सिंह राजपूत जी का स्वागत, स्वागत मुकेश भाई, मुकेश भाई आगे सारे ठीक है मेरे हिंदी अरुणा पवन जी से अपने मैं पवन प्रियंका गंगा वो पवन जी का स्वागत करेंगे, ये आपके लिए दिल्ली से आए मेरे के लिए कि हमारा ऑडियंस जो है वो मेरे लिए भगवान है, भूपेंद्र भगत जी हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, डायरेक्टर हमारे सुजीत सिंह जी, बड़े भैया उमेश सिंह जी, विपिन सिंह जी, जय सिंह जी, अयाज भाई, राइटर हमारा वीरू ठाकुर, ये सलमान खान के प्रिय मित्र और भैया बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, अक्षरा सिंह जी हैं, बिग बॉस से मैडम आई हैं, हमारा मुकेश भाई जो भी नाम हमसे छूट रहा है, और गणेश जी और लोटा तिवारी जी, सब नाम ले तो हम फोल हो जाएंगे, माफी चाहते नहीं लेकिन हाँ और सब भाई और जितने भी हमारे मीडिया से हमारे भैया लोग आए हैं, उदय भगत जी, रामचंद्र हमारे प्यारो साहब, सबको प्रणाम, और पंडित जी हैं क्या बोलते हैं आपको जी, अब पहले बोलने भाई रमेश त्रिवेदी जी, फिल्म के मुंह आज मुहूर्त हो रहा बा, जो ने फिल्म के नाम है क्रैक फाइटर, रॉक स्टार, भगवान के जान, भारत माता की जय, लव यू, जोरदार ताली। कलाकार काम करे और हमारे श्रोता जो मेरे भगवान है उसको बस आशीर्वाद दे, एक कलाकार के लिए यही सबसे बड़ी खुशी है, और क्या बोल सकता हूँ, जय हो। You.
सबसे पहले तो हमारे मीडिया से जितने भैया लोग हैं, जितने भाई हैं हमारे, आप लोग आए इस मुहूर्त में, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिल से सबको प्रणाम। और हमारे प्रोड्यूसर धूपेंद्र भगत जी हैं जो 4-5 फिल्मों का मुहूर्त एक साथ कर रहे हैं। ये कलाकार के लिए बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। इसमें सब में डिफरेंट लुक दिख रहा है, भगवान के जाने का अलग मैसेज दिखा रहा है। एक फिल्म है भगवान की जान, रॉक स्टार, क्रैक फाइटर, भारत माता की जय। भाई आप लोग थोड़ा पीछे तो अलग अलग टाइटल है, अलग अलग फिल्मों का नाम है, तो लुक तो चेंज करना पड़ेगा ना भैया, अपने श्रोता को खुश करने के लिए, जो हमारे भगवान है, जो हमको देख के खुश हो और हमको आशीर्वाद दे। बहुत ही बड़ा चुनौती वाला काम होगा, चार फिल्में होंगी, चारों में अलग अलग किस्म के लुक, तो उसी हिसाब से अलग अलग किस्म की एक्टिंग भी होगी, शेड अलग अलग होंगे, चैलेंजिंग होगा काफी। सारी जितनी फिल्में हैं, जो जो नाम है, बहुत ये जितनी टाइटल है फिल्म के, जितना टाइटल बा हमारे दिल के करीब बा, जितना फिल्म हम कहनी, हम जितना कर रहल बानी और जितना करब जीवन में, हमारे सब दिल के करीब बा। और देखिए क्या है ना, दाल चावल आप बनाएंगे, हम बनाएंगे, है वही चीज़, लेकिन कब किस एक्टिंग को, कब किस सिंगिंग को हमारे श्रोता जो है वो उसको पसंद कर ले, ये उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि वही भगवान है। और जो जौने फिल्म के ज़्यादा देख लें, जौने गाना के ज़्यादा सुन लें, हिट करा दें, वही अपना फेवरेट हो जाता है। अक्षरा जी, 4-4 फिल्मों के पोस्टर मुझे पीछे नजर आ रहे हैं, आपको सबसे अच्छा पोस्टर कौन सा लगा इसमें से? ऑब्वियसली जहाँ जान की बात आएगी, ऑब्वियसली मैं उसको ही पसंद करूंगी, भगवान के जान, वो वन ऑफ द फेवरेट मुझे लग रहा है यहाँ पे है। एंड भारत माता की जय भी जी। दो फिल्में हैं, ट्रैक फाइटर और रॉकस्टार। ट्रैक फाइटर ऐसा लगता है जैसे कोई साउथ की स्टोरी होगी, मतलब उस तरह का पोस्टर मुझे दिख रहा है, और रॉकस्टार पूरा हॉलीवुड वाला दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कॉपी नहीं है। क्रैक फाइटर हमको ये टाइटल हमारे डायरेक्टर जो है सुजीत सिंह जी वही बताए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, एक ही चीज़ को रिपीट कितना किया जाएगा। क्रैक फाइटर जिसे खुद को ही लग रहा है कि कुछ नया है, और इसमें काम करके क्रैक फाइटर में मेहनत और करना पड़ेगा, क्योंकि जब क्रैक फाइटर फिल्म का नाम ही है तो उसमें अल्टा पल्टी बहुत करना पड़ेगा, तो सीखना है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा उस फिल्म में काम करने के लिए। अब संजय सुपरस्टार आएगी, अब तो रॉकस्टार भी आएगी। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, मेरे श्रोता जो भगवान है उन लोगों का आशीर्वाद है, सबके आशीर्वाद पर हमारे ऊपर। अभी डायरेक्ट हम एयरपोर्ट से यहीं पे आ रहे हैं, बहुत दूर सो था मेरा अंबिकापुर, यहाँ से रांची से 10 घंटा बाई रोड अंबिकापुर, वहाँ सो किया रात भर, फिर 10 घंटा बाई रोड रांची, फिर मुंबई से यहाँ, मेरा गला भी बैठ गया है। लेकिन इन सबके बाद भी आप 4 घंटे दिन के लिए वक्त निकाल लेते हैं? बिल्कुल, मुझे जो देखते हैं, मुझे जो सुनते हैं, मैं उन्हीं के लिए जी रहा हूँ, उन्हीं के लिए जीता हूँ और उन्हीं के लिए जीना है। धूपेंद्र भगत जी मतलब ठीक है, प्रोड्यूसर हैं, मैं हीरो हूँ, लेकिन बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है उनके प्रोडक्शन में काम करके। धूपेंद्र जी माटी से जुड़ल आदमी हमें, तो मुझे भी मिट्टी ही पसंद है ब्रदर, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे इंसान के साथ मिल के काम करने का। सबसे पहले तो जितने लोग मुझे सारे चैनल्स के ज़रिए देख रहे हैं, उन सभी लोगों को प्रणाम। और
मैं बेहद खुशी की बात है कि मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का इस मुहूर्त में, बिकॉज चार चार फिल्म की एक साथ शुरुआत एज इन की जा रही है. सबसे पहले तो हमारे डायरेक्टर और हमारे प्रोड्यूसर दोनों को बेस्ट विशेस और तहे दिल से बधाई एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी पवन जी. पवन जी, एक साथ चार चार फिल्मों का मूड किया जाता है, लगता है ये जिम्मेदारी वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. जिम्मेदारी तो देखी हमनी के भोजपुरी में एगो कहावत है, जंजाल निमन लेकिन कंगाल निमन ना. ये हमारे बाप दादा के मुंह से हम सुने हैं. तो ये बहुत भाग्य की बात है कि किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास मतलब एक घंटा यहाँ, दो घंटा वहाँ, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों कहाँ, तरसों कहाँ, फिर यहाँ आना है, फिर मुझे नेक्स्ट डे कहीं जाना है, फिर शूटिंग करना है. तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, ये सबके नसीब में नहीं है. तो ये इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती. चेहरे पे थकावट है, बहुत थक गया हूँ, लेकिन जगा हूँ, मुहूर्त में आया हूँ, क्योंकि इसी से मैं हूँ. जो मुझे हमारे श्रोता देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, ताली बजाते हैं, मुझे उसी के लिए जीना है. शायद तालियों में थकावट नहीं छूट जाती होगी. अपन जी, फिल्म है भारत माता की जय, बॉर्डर पे भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ फायरिंग की गई, 23 साल का एक कैप्टन शहीद हो गया, 3 जवान और शहीद हो गए. लगता नहीं है कि पाकिस्तान को कुछ जवाब देना चाहिए, कम से कम सिनेमा में दीजिए. मैं एक कलाकार हूँ, ये आप अभी बताए तो मुझे पता चला. ये हमारे देश के जवान जो शहीद हुए, ये बहुत दुखद समाचार है. एक आर्टिस्ट होने के नाते हम तो जवाब देते ही हैं, देंगे ही, और भारत माता की जय जो फिल्म बनेगी उससे हम ज़रूर बताएंगे कि ऐसा ना हो. इतना देश के जवान ही हैं कि हम जो रक्षा करते हैं और हम चैन की नींद सो पाते हैं, तो उनके ऊपर संकट ना आए. बार बार ये जो हो जा रहा है, ये बहुत, ये हमारे लिए बहुत दुखद समाचार है. तो इस पे थोड़ा सा हम सरकार से भी चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि बार बार ऐसा दुखद समाचार सुनने को ना मिले. और फिल्मों के द्वारा हम ज़रूर बताएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टिंग करके ही बताऊँगा कि हाँ ऐसे है और ऐसे नहीं होने देंगे हम. जय हो. बात की जाए फौजी की, तो आपकी होली की भी आई है, हिंदुस्तान की होली, तो देखिए फौजियों को ही डेडिकेट किया है आपने. अभी वो गाना आया नहीं है, अभी मार्केट में वो गाना आया नहीं है. क्या करें, क्या करिएगा, गला बैठ गया है. और लेकिन मुझे गाना है, और गाना अभी मैं हमारे मनोज मतलबी जी, हमारे फेवरेट राइटर, बहुत दिल के करीब, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा गीत को सजाए हैं, और हमारे मनोज मतलबी भैया गाने को लिखे हैं, मधुकर आनंद जी हैं, तो गाएंगे. और गाना जब आएगा मार्केट में तो आप लोग सुनेंगे हैं कि हाँ गाने में क्या है और उस गाने के जरिए हम क्या संदेश देना चाहते हैं. अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? हिंदुस्तान के बारे में. जैसा कि हर बार एक धमाकेदार एल्बम लेके हम लोग आते हैं पवन जी के आशीर्वाद से, तो इस बार भी यही उम्मीद है कि अभी तक 2-3 गाने जो रिलीज़ हुए हैं उस पर हमारे जो जितने भी श्रोतागण हैं सभी लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद प्यार मिला है. और उम्मीद है इस एल्बम का और भी गाना जब रिलीज़ होगा, उम्मीद है कि आगे भी हमारे गानों को इतना ही पसंद करेंगे लोग और इतना ही आशीर्वाद देंगे. और गुजारिश भी यही करती हूँ कि प्लीज़ अपना प्यार आशीर्वाद अपना बनाए रखिए. जय हो. थैंक यू.
और इसमें अहम भूमिका दिखाई दे रही है माइक मत संभालने से लेकर गेस्ट को संभालने तक। मैं सबसे पहले भोजपुरी मेरे दर्शकों को जो हिंदी से भी हैं भोजपुरी से भी हैं सबको सादर प्रणाम नमस्कार। और मैं सागर सलमान पांडे एक छोटा सा एक्टर हूँ। बड़ी मुश्किल से भोजपुरी में एंट्री मिलती है क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी लाइन है, इतनी मुश्किल है कि हम मौका ही नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से घुस घुस के अंदर जाके आयाज भाई को पता है कि जाके मौका मिलता है। तो दो फिल्में मुझे मिली और अच्छा रोल था। अभी ये चार फिल्में हैं उसमें भी मेरा एक अच्छा ही रोल होगा। हमारे प्रोड्यूसर चाहेंगे तो अच्छा रोल होगा, आप लोगों के सामने अच्छा रोल मिलेगा, अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और हमेशा मैं चाहता हूँ कि हर रोल में कुछ नया करूँ, सीखने के लिए हमेशा मेरी कोशिश होती है कि हर फिल्म में कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। और चारों फिल्मों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरा। ये जब फिल्म आएगी तो आप लोग खुद देखेंगे। और इससे आगे मैं क्या कहूँ, रामचंद्र जी कहाँ चले गए हमारे हमारे साथ में। देखिए क्या है कि हम एक्टर हैं, हम हमेशा जो है सजाना ही चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक्टर जो है फिल्म में हो, जिस सीन में हो, और वो जो कपड़े जो ड्रेसअप रहता है वो सजाए, मतलब वो हर जगह हर चीज़ को सजाना चाहता है। मैं एक्टर कितनी क्रिएटिव होता है, एक्टिंग वर्क जो है क्रिएटिव वर्क है। जो एक्टिंग करता है तो सोचता है कि ये सीन है, इस सीन में मतलब मैं क्या डिफरेंट करूँ, क्या अलग करूँ, किस इसको कैसे सजाऊँ। तो वैसे ही आज का जो माहौल था हम आए तो देखे कि जो है अभी पार्टी शुरू हुई है, और मैंने कहा कि कुछ जो है इसको थोड़ा सजा दिया जाए, चूँकि हमारे गेस्ट आए हुए हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम और जो है हमारे दोस्त हमारे भाई हमारे, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको जो है अच्छी तरह से सजा दिया जाए। तो थोड़ा सा हम लोगों ने जो है एंकरिंग भी की, थोड़ा डांस भी किया, और बस बाकी आप तो सब तो देख ही रहे। आज चार चार फिल्मों का मुहूर्त, नो डाउट बहुत खुशी की बात है कि भोजपुरी में फिल्में बन रही है और अच्छी फिल्में बन रही है। काफ़ी सुधार हो रहा है टेक्निक में, स्टोरी में, हर चीज़ में सुधार हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और एक एक्टर को और उसको यही चाहिए कि अच्छी अच्छी फिल्में बने, उसको एक्टिंग के एक्टिंग को दर्शक ऑडियंस लाइक करे, पसंद करे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो है दीपेंद्र भगत जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। डायरेक्टर सुजीत जी और एक और डायरेक्टर हैं अपने रॉक स्टार के रत्नेश जी, रत्नेश सिन्हा जी, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस शिद्दत से उन्होंने फिल्म के मुहूर्त किया, जिस भव्य शुभारंभ हुई, उसी हिसाब से उसी तरीके से फिल्म बने और इस फिल्म को दर्शकों का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद मिला। कितने फिल्म में विलन है? मैं तो मोस्टली विलन ही करता हूँ, हर फिल्म में विलन करता हूँ, लेकिन अभी कुछ जो बताया कि काफ़ी जो है चेंजेस हो रहे हैं हमारे यहाँ जो स्टोरियों में, फिल्मों में काफ़ी डिफरेंट, जैसे हिंदी में या साउथ में थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की डिफरेंट स्टोरियाँ बन रही हैं, उस तरह भोजपुरी में भी काफ़ी चेंजेस हुआ है। तो अभी मैं एंटी हीरोज़ भी कर रहा हूँ, ग्रे शेड भी कर रहा हूँ, और नेगेटिव लोग करते हैं, आप लोगों को पता है। प्रियंका जी, आप जाएंगे बिग बॉस के बनने के बाद आप दिखाई दी हैं, तो क्या राय है भोजपुरी में? नहीं नहीं, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ऊपर नाम कमा रही है, एक बॉलीवुड के बाद एक भोजपुरी इंडस्ट्री है आप लोगों की, जिसका एक मकाम बन चुका है। और जैसे कि आप सब यहाँ आए हैं, चार मूवीज़ का एक साथ उद्घाटन है, मुहूर्त है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने से। एक मूवी के साथ साथ वो इंसान चार मूवी कर रहा है, तो वक्त अपना दे रहा है इंडस्ट्री को, और आप लोगों की भोजपुरी इंडस्ट्री को वो वक्त मिल रहा है। तो आई थिंक ये सबसे अच्छा वक्त है उन लोगों का जो उभरते हुए कलाकार हैं या जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं। तो अच्छी इंडस्ट्री है और मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं क्या होता है। प्रियंका की बात करें बिग बॉस की, बिग बॉस के घर के अंदर, घर के बाहर, और अब भोजपुरी सिनेमा एक परिवार के अंदर आज बैठी है, क्या कहना चाहेंगे, कितना डिफरेंट बात है? मेरे हिसाब से बॉलीवुड और भोजपुरी एक ही तरह की मूवीज़ है, सब कुछ एक है, बस एक ही भाषा है जो आप लोगों को बॉलीवुड से अलग कर देती है। तो मेरा बिग बॉस का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और वो एक मूवी नहीं थी, वो एक स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, एक रियलिटी शो था, और ये एक मूवी है, तो
मेरे हिसाब से दोनों में बहुत अंतर है, बट लेकिन काम सब कर रहे हैं तो काम की वैल्यू होती है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मैंने बात बहुत नोटिस करी है कि बहुत दबंग है लोग, डांस भी दबंग तरीके से करते हैं, बात भी दबंग तरीके से करते हैं, तो अच्छा लग रहा है दबंग लोगों के साथ बैठ के और काम करके। भोजपुरी सिनेमा के बारे में आपने कुछ सुना होगा, समझा होगा, आज भोजपुरी सिनेमा को आपने नज़दीक से देखने का जो एक एक्सपीरियंस लिया है, क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं ना, जैसा देश होता है वैसा ही भेस होता है। तो मेरे हिसाब से कि हमने तो बिहार भोजपुरी को लालू जी से जोड़ा हुआ था, बट लेकिन आज पता लगा कि ये बहुत एक वाइड इंडस्ट्री है और चमक धमक मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। और इस इंडस्ट्री में आप लोगों के गाने, आप लोगों का डांस करने का तरीका इज़ रियली डिफरेंट। जैसे कहते हैं दिल खोल के, लोग लड़ते भी दिल खोल के और प्यार भी दिल खोल के करते, तो आई थिंक ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर चीज़ दिल खोल के की जाती है। देखिए, मैं एक इंडियन बॉलीवुड मूवी कर रही हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं नहीं कहती कि नहीं करूँगी, बट हाँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो ज़रूर करूँगी। मैं भी चाहती हूँ आप लोगों का एक हिस्सा बन। एक शबंग आपके साथ बैठे हुए जो दबंग खान के साथ हमेशा परछाई बन के रहते हैं और आज हमारे बीच हम बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? इनको तो मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ। एक टाइम ऐसा था जब मैं और ये सलमान सर के घर के बाहर खड़े मैं इनकी बात करना चाहता हूँ कि हमारा इनका रिश्ता पिछले मैं बहुत छोटा था, ये बहुत बड़ी थी, मतलब उल्टा हो गया। मैं अभी भी 17 साल का और ये 27 साल के हैं, और ये हम और ये सलमान भाई के घर के बाहर जाके और ये क्या करती है, लिटरली है ना, अभी जमीन पे से बैठ जाती है, तो बच्चे मुझे जाने ही नहीं जब तक सलमान खान को नहीं देखना है। तो ये उनके जन्म पाने के लिए हम बहुत एक वो वक्त था जब एक एक्साइटमेंट रहती थी, और कहते हैं ना उम्र के साथ वो एक्साइटमेंट भी चली जाती है, बट सलमान खान एक बहुत बड़ा नाम है और उस नाम की हमने बहुत इज्जत भी करी है, बट लेकिन और आज वो दौर आया जब सलमान भाई के साथ आप दोनों बैठते हैं और काम करते हैं और गेट टुगेदर ये सलमान सर का बहुत बड़ा ग्रेटनेस है कि हमारे जैसे कलाकार को वो मानते हैं और अपने साथ बैठाते हैं। उनकी बहुत बड़ी बड़प्पन है, बस उनके लिए हम हमेशा दुआ करते हैं, लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें, हमेशा सबके दिलों में जैसे छाए हैं वैसे छाए रहें। लव यू सर। एक झलक सलमान भाई कमाल करते हैं, स्वागत नहीं करें हमारा, हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन पांडे, और लोग प्यार से चुलबुल पांडे कहते हैं। हमारी पर्सनालिटी हमारे नाम को सोगा देती है। मेरे बारे में इतना मत सोचो, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। आप टेबल के पीछे, टेबल आपके पीछे, टू मच फन। ये जीना भी कोई जीना है जिसमें कितना हो पगली। लव यू। ये बहुत अच्छा, मैं इनको बहुत काफ़ी टाइम से जानती हूँ और शायद मैं इनसे इसलिए प्यार करती हूँ, ये सलमान की तरह थोड़े से दिखते हैं। अगर ये सब इनके पास नहीं होता तो शायद हम लोग भी इनके पास नहीं होते। तो कुछ ढोल सुहावने होते हैं ये तो सबको मालूम है, बट लेकिन हम जब पास आते हैं तो बहुत मेहनत और बहुत लगन और बहुत डेडिकेशन होती है हमें, हमारी इस इंडस्ट्री में। तो आप जितना डेडिकेशन करोगे आप उतना ही ऊपर जाओगे, और वक्त आपको हर जगह पहुंचा देता है। अगर आपने कहा ना शाहरुख खान ने कि अम्मी जान कहती हैं कि दुनिया का कोई धंधा छोटा नहीं होता, बस धंधे से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। लवली, हमारे साथ हमारे दोस्त हैं आयुष जडेजा। सबसे पहले नमस्कार, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे तो मैं एक्टर हूँ तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भोजपुरी फिल्म मैंने दो की थी, एक तोही मोर बालवा असलम से और एक प्रशासन की। भोजपुरी मुझे लैंग्वेज आती नहीं थी, बट मुझे दिनेश लाल यादव जी ने काफ़ी सिखाया और देश मिश्रा जी ने भी सिखाया हुआ है, तो मुझे काफ़ी इंडस्ट्री से प्यार है और मैं चाहूँगा कि गुजराती मैंने मोर देन 40 मूवी की, तो भोजपुरी में मुझे काम करना है और ये इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ रही है भोजपुरी, तो कहीं ना कहीं मुझे मौका मिलेगा कि अयाज भाई है, सागर भाई है, बच्ची है, हमारे प्रोड्यूसर है, सुनील जी डायरेक्टर है, मैं चाहूँगा कि मुझे हमेशा मौका दे, भले छोटा रोल मैं जरूर काम करना चाहूँगा। मैं शुक्रिया अदा चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री आज मुझे दो प्रोजेक्ट दी, कल 10 प्रोजेक्ट दी। बता रहे कि निरंगवा जी से आपने भोजपुरी सीखा,
तो अब देखो तभी स्क्रिप्ट आती है, जैसे लाइक बंगाली बोलो या कोई भी लैंग्वेज हो, तभी स्क्रिप्ट आती है तब इंसान एक्टर के। बाबा जी बात करें चार फिल्मों का मुहूर्त और आप आए हुए हैं, डायरेक्टर साहब हैं रत्न सिन्हा जी, डायरेक्टर साहब एक मूवी देखती है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या ब्लेसिंग है और पूरी टीम को और खास करके सुजीत जी और तो सभी भोजपुरी वालों को नमस्कार करूंगी। और बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे हस्बैंड डायरेक्टर बने और इनके साथ मैंने अभी तक जो भी पिक्चर दिए वो सुपर हिट ही हुआ है और इसमें आगे की पिक्चर जो भी बने वो भी सुपर हिट हो और सब बड़े लोग का आशीर्वाद हो, जो भी इसमें जो कमियां हो वो लोग बताएं, कमेंट करें, उसका जो भी अच्छाई हो अच्छा जहां तक हो करना चाहे वो करें। और एक मूवी और है रॉक स्टार जिसके डायरेक्टर रत्न सिन्हा जी, उनके लिए क्या ब्लेसिंग करना चाहिए? उनके लिए तो मैं बोलूँगी भाई के साथ में दोनों भाई मिल के करें, इससे बढ़ के क्या खुशी होगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन है सबसे आसान प्रिया राजा और भगवान की जान इसके साथ ऑनलाइन से और भी वांटेड लेके आ रहे हैं, पवन जी के साथ एक पावर स्टार नाम फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे भाई बंधु आए हुए हैं सब लोगों को नमस्कार, साथ में हमारे जितने भी भोजपुरी दर्शक हैं जो हमें प्यार देते हैं, हमारी फिल्मों को देखते हैं, उनसे अनुरोध है कि इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि एक मेरी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है जिस फिल्म का नाम है वांटेड, फिल्म होली में रिलीज होने वाली है, तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारी इस फिल्म को देखें, प्यार दे, कुछ उसमें त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, उसको आगे पूर्ति करूँगा। ये हमारी मैडम हैं, एक कहावत है कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मुझे डायरेक्टर बनने में जितना भी कोऑपरेशन हो सका पिछले 12 सालों से लेकर आज तक जितना भी कोऑपरेशन हो सकता है, मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए, इन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है। मतलब इनका भी एक सपना था कि आप मुंबई आए हो तो डायरेक्टर बनो, अच्छी फिल्म बनाओ, लोग फिल्म देखें। जब इनको मैं 2 अवार्ड फंक्शन में लेके गया तब इन्हें लगा कि नहीं आपने काम किया है, लोगों ने सराहा है, सबसे पहले मैं इनको अपनी तरफ से एक प्यार देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे हमेशा मेरा साथ देते रहें और सब लोगों को ऐसे सौभाग्य से मैडम मिले जो बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ऐसे मिलते रहे। एक मिनट, आज में जितना बात इन्होंने बोला वो सक्सेसफुल हुआ और मैं यही भगवान से दुआ करती रहूँगी कि हर सपनों को। वो चीज़ है, अब रह गई आज जो फिल्मों का मुहूर्त हुआ है, ये इस चारों फिल्मों के हमारे प्रोड्यूसर हैं भूपेंद्र भगत जी, जिन्होंने इससे पहले 3 फिल्में बनाई हैं जिसका एक लास्ट फिल्म था धड़कन मैंने किया, पिछले साल ईद पर रिलीज हुई थी, दर्शकों ने काफ़ी सराहा। आज जो 4 फिल्मों का मुहूर्त हुआ है उसमें है एक भगवान के जान, दूसरा है रॉक स्टार जिनके हमारे निर्देशक हैं हमारे दोस्त हैं रत्न सिन्हा जी, और तीसरी फिल्म है भारत माता की जय जो मैं करूँगा। खुशी की बात है कि इन 4 फिल्मों के जो हमारे स्टार है पावर स्टार पवन सिंह जी हैं और ये फिल्म भगवान के जान मई में शुरू होने वाली है, तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए कि ये भी फिल्म अच्छी बने, अच्छी चले भोजपुरी दर्शकों के लिए। मतलब मेरा यही एक रहेगा कि वो हमेशा प्यार देते रहे, उनका सम्मान उनका डिसीजन ही मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सुजीत जी को बधाई दूंगा, उनके जो रातें दिया बुता के एक जो अपार सफलता मिली है, और फिर भूपेंद्र जी जो हैं 4 फिल्मों का जो मुहूर्त हुआ है ये सही मायने में भोजपुरी का सम्मान है, और सुजीत और रत्नेश भैया जैसे जो निर्देशक हैं उन लोगों के कर्म का सबसे बड़ा फल है कि इतनी भोजपुरी फिल्में हो रही हैं। मेरी तरफ से भोजपुरी दर्शकों को और इस पूरी टीम को, सुजीत भैया की, रत्नेश भैया की, सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। कई कई लोग उनको भोजपुरी के सलमान खान भी कहते हैं, उनके साथ आपने ढेर सारा वक्त बिताया है, कई सारी फिल्मों में आप लोगों की या हर प्रकार की भूमिका है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है,
कि पवन जी वाकई में, मैं आपको ये कहूँ कि विश्व में जो 9 देश है जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, और हमारे पूर्वांचल में 22 करोड़ लोग जिस भोजपुरी भाषा को बोलते हैं, उनके महानायक के रूप में, पावर स्टार के रूप में पवन सिंह है। भगवान उन्हें खूब ऊंचे बुलंदियों पे ले जाके पहुंचाए, मेरे तो दिल से यही खाली दुआ है, इल्तिजा है। सबसे पहले आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, दुआएं मेलोडियस है, म्यूजिकल है, रोमांटिक लव स्टोरी है, और जब इसमें पवन जी है तो मेलोडियस किंग ऑलरेडी है, तो आप इसका अनुमान लगा सकते पिक्चर कैसी होगी। भूपेंद्र भगत जी के साथ मैं 2 पिक्चर पहले कर चुका हूँ, फिर अब से रियूनियन हो रहा है, फिर से एक दूसरा प्रोजेक्ट उनके साथ करने जा रहे हैं, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर से एक बार हम लोग साथ में मिले काम करने जा रहे हैं। किस तरह मूवी होगी रॉकस्टार? रॉकस्टार फुल म्यूजिकल मेलोडियस लव स्टोरी, जिससे गाने हर बच्चे गुनगुनाएंगे, इस तरह का लव स्टोरी।